राजकीय महाविद्यालय रामगंज मंडी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम वाणिज्य के विद्यार्थियों के लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विषय के प्रथम पत्र वित्तीय लेखांकन के बारे में चर्चा करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है समामेलन से पूर्व तथा पश्चात के लाभ, प्रॉफिट प्रियर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। जब कभी भी कोई भी कंपनी किसी अन्य कंपनी को क्रय करती है या कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी में विलय होती है तो उसको हम कहते हैं समामेलन। और ऐसा कई बार उस फिनेंशियल ईयर के मध्य में होता है, जैसे फिनेंशियल ईयर अपना 1 अप्रैल से 31 मार्च है, उसके मध्य में 5 महीने, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद कभी भी विलय हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिस कंपनी का विलय होता है उसके उस वर्ष के पूरे लाभों को हम दो भागों में बांटते हैं, समामेलन से पूर्व का लाभ और समामेलन से पश्चात का लाभ। अब कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार एक कंपनी अपना व्यवसाय समामेलन के पश्चात ही प्रारंभ कर सकती है। चालू व्यवसाय का अगर क्रय किया गया है तो व्यवसाय क्रय तिथि से चालू हो जाएगा, जबकि समामेलन बाद में होगा। तो ऐसी स्थिति में जब कभी भी अकाउंट्स बनते हैं, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी ने अपना चालू व्यवसाय 1 जुलाई 2020 को क्रय किया और कंपनी का समामेलन 1 अक्टूबर 2020 को प्राप्त होता है, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने तो हो गए समामेलन से पूर्व की अवधि और बाकी की जो अवधि है वह कहलाएगी समामेलन से पश्चात की अवधि। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। अब जो भी प्रॉफिट होगा उसको 3 महीने और 6 महीने में डिवाइड करना होगा और ऐसी स्थिति में जो कुछ भी समामेलन से पूर्व का लाभ और कई बार हानि होती है तो उसका लेखा जोखा कैसे किया जाए। यदि समामेलन से पहले यदि कोई लाभ होता है तो वह लाभ शेयर होल्डर्स को लाभांश वितरण के काम में नहीं लिया जा सकता है और वह पूंजीगत आय मानी जाती है और इसे हम कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करके कंपनी के रिजर्व्स को बढ़ा देते हैं। और यदि समामेलन की अवधि के पूर्व यदि कोई हानि है तो उस हानि को भी हम पूंजीगत हानि मानते हुए गुडविल अकाउंट, जो ख्याति है, उस अकाउंट में डेबिट करके बैलेंस शीट में दिखाते हैं। और जो समामेलन के पश्चात का लाभ है वह उसी तरह ट्रीट किया जाता है जैसे कि एक सामान्य लाभ है और उस सामान्य लाभ के अकॉर्डिंग उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वह रिजर्व्स में भी रखा जा सकता है और वह लाभांश के वितरण के भी काम में आ सकता है। यदि कंपनी ने चालू व्यापार को क्रय किया है और समामेलन बाद में हुआ है तो समामेलन वाले दिन कंपनी को अंतिम खाते बंद करने होंगे और संपूर्ण लाभ या हानि पूंजी संचय खाते या ख्याति खाते में ट्रांसफर करना होगा। लेकिन यदि कोई कंपनी समामेलन की तिथि के दिन पुस्तकें बंद न कर पाए और फाइनेंशियल ईयर एंड या कोई और आगे की तिथि को पुस्तकें बंद करके अंतिम खाते बनाए तब इस लाभ को हमें दो भागों में डिवाइड करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक प्रॉफिट प्रियर इनकॉर्पोरेशन होता है, दूसरा प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। इसमें सबसे अच्छा तो ये है कि जिस दिन भी कंपनी का समामेलन हो उसी दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बंद कर देना चाहिए। लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि कई ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जिसका आउटकम उस दिन पता नहीं होता है और उसे
पता करने में, उसके एंट्रीज करने में, उसके सारे प्रोसीजर में टाइम लगता है। तो ऐसी स्थिति में लाभों को दो भागों में डिवाइड करना होगा। याद रखने की बात यही है, वापस हम डिवाइस कर लेते हैं कि जो प्रॉफिट प्रियोर इनकॉर्पोरेशन है, समामेलन से पहले का लाभ है तो वह कैपिटल रिजर्व में जाएगा, और अगर हानि है तो गुडविल अकाउंट में जाएगी, और यदि लाभ हुआ है तो उसको लाभांश वितरण में काम में नहीं लिया जा सकता है। मुझे आशा है ये कंसेप्चुअली आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।